दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुफल सिंह राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय आप ही के कमेंट पे है। प्रॉपर्टी खरीदते तो अपन सभी लोग हैं, लेकिन कई बार अपने को बेचनी भी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम पेमेंट कैसे लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरीदते हैं तो बेचना तो पड़ता है। और अधिकतर लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको बेचना रहता है, तो उस टाइम में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आपकी, जिसको बेच रहे हैं उससे दिक्कत हो सकती है, या आपके जो इनकम जनरेट हो रही है उससे इनकम टैक्स से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ये एक नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्हीं के कमेंट पे आज सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉपर्टी आप जब बेचते हैं तो उसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं, प्रॉपर्टी गेन टैक्स के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस टाइम से लेकर बेचने के टाइम में जो डिफरेंस आता है उसमें कुछ एक इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है। उस टेबल के अलावा यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी आज के 15 साल पहले 10 लाख में खरीदी और आज आप उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए 70 लाख में बेच रहे हैं, तो उसमें वैसे अपन देखें तो लगभग 60 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में वो 10 लाख की प्रॉपर्टी की 60 लाख वैल्यू नहीं होती है, वो मिनिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि अपन माने तो 20 से 30 लाख रुपए ही वो वैल्यू करते हैं। उस तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं देना रहता है। लेकिन उसके बाद में यदि आपका जो ग्रोथ है मान लीजिए 30 लाख के ऊपर का है तो उस पर सारे अमाउंट पर आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स देना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो रजिस्ट्री होती है उस वैल्यू की बात। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी है 20 लाख की प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री आपने 10 लाख की कराई, 10 लाख आपने उसमें नगद का लेन देन किया हो, तो नगद का लेन देन कहीं रिकॉर्ड में नहीं होता है। तो 10 लाख की वैल्यू आपने पहले 20 ली, मान लीजिए उसकी 70 हो गई, तो उसमें आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स देना रहेगा। तो उसके लिए क्या मतलब उपाय रखें, सबसे पहला तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो ये डिसाइड करें कि वो प्रॉपर्टी वापस खरीदने में पैसा लगाएंगे या बेचने में उसको, मतलब आप पैसे को और कहीं काम इन्वेस्ट करेंगे। यदि उसको आप प्रॉपर्टी खरीदने में काम में लेंगे तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट की यदि आप रजिस्ट्री कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई लाइबिलिटीज नहीं आएगी। लेकिन आप उस पैसे को कहीं और आपके कोई फंक्शन में काम में लेना चाहते हैं, शादी ब्याह या और कोई भी जरूरत के हिसाब से अपन आदमी काम में लेता है, क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ही इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं शादी ब्याह या और कोई खर्चे हैं, एजुकेशन के खर्चे हैं आज के टाइम में, उनमें यूज़ करते हैं। तो उस टाइम के अंदर यह सावधानी रखें। इसके अलावा अब पेमेंट कैसे कैसे लें, तो सबसे पहले तो पेमेंट आप जब भी एग्रीमेंट फाइनलाइज एग्रीमेंट करें, एक तो नॉर्मल एग्रीमेंट होता है, एक नोटराइज या एग्रीमेंट जो होता है, तो उससे पहले आपके जो डिफरेंस अमाउंट होता है रजिस्ट्री वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है, तो उस पेमेंट को करने के बाद आप फाइनलाइज एग्रीमेंट करें। या मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट कर भी दिया, किसी को लोन की ज़रूरत होती है तो बैंक के हिसाब से आपने एग्रीमेंट कर दिया है, तो जो बाकी डिफरेंस अमाउंट बचता है, जो नगद का पेमेंट बचता है, तो उसका एग्रीमेंट एक अलग से कर ले तो आपके लिए वो सहूलियत रहेगी। इसके अलावा रजिस्ट्री कराते टाइम भी कई बार दिक्कतें आती है, चेक से जैसे अगले ने पेमेंट दिया और उसका चेक बाउंस हो गया तो रजिस्ट्री वैसे कैंसिलेशन हो जाती है, लेकिन उसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखें। पजेशन जब दें जब कंप्लीट पेमेंट आ जाए, कंप्लीट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए तभी आपको पजेशन देना चाहिए, या ये लिखित में भी होना चाहिए, जो रजिस्ट्री में भी लिखित में हो जाना चाहिए और एग्रीमेंट जो करते हैं उसमें भी आपको ये लिखित में हो जाना चाहिए। चेक बाउंस होता है तो उसमें क्या विवाद बढ़ते जाते हैं, आपको कब्जा जरूर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी वापस आ सकती है लेकिन उसमें विवाद बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों की सावधानी रखें, या चेक की बजाय आप डीडी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है उसके पास व्यवस्थाएँ होती है, नहीं होती है तो लोन से करवाते हैं, तो उनमें तो कोई इश्यू नहीं आता, लोन से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें आप समय बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक महीने का टाइम दिया, एक महीने में अगले आदमी के पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसको 5-10 दिन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री हमेशा पेमेंट होने के बाद ही करें। या बैंक से हैं तो बैंक के डीडी की कॉपी मिल जाती है, बैंक वाले केस में इश्यू नहीं आता है, विदाउट
बैंक या बिना लोन के जो प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ कई बार विवाद होते हैं, वहाँ कई बार चेक पे रजिस्ट्री हो जाती है, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। अब पेमेंट मैंने बताया था, सबसे पहले आप चेक से ले या कैसे भी ले, लेकिन एग्रीमेंट करते टाइम ये सावधानी रखें। इसके अलावा जो चेक है वो ज़्यादातर आप यदि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और उसमें आपको दोबारा नहीं खरीदनी है, तो आप डीएलसी रेट से ऊपर ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि डीएलसी रेट से ऊपर जो भी जाएंगे तो उस पर आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स देना रहेगा। 3 साल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, 3 साल से पहले बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गेन लगता है, और 3 साल से जिस प्रॉपर्टी को ज़्यादा हो जाता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब कैपिटल गेन टैक्स के बारे में मैं रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ, इसके बारे में सीए वगैरह ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन सीधे भाषा में या साफ शब्दों में अपन बात करें तो ये होता है कि जो आपको पैसा मिल रहा है, मान लीजिए आपने 10 लाख की ली, 17 लाख की बेच रहे तो 60 लाख मिल रहा है, तो 60 लाख पे आपका गेन बनता है। अब 60 लाख का मतलब हो गया आप 30 लाख से ऊपर हो गए तो 30% प्रॉपर्टी गेन टैक्स लगता है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट 10 लाख ही हो रहा है तो आप 10% की कैटेगरी में आ रहे हैं, 10 से 20 है तो 20% कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें इसके अलावा जो आपकी सालाना इनकम है वो भी काउंट होती है, वो आप जरूर एक बार कैलकुलेशन कर ले। बेचने से पहले इन पॉइंट्स का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि बेचने के बाद कई बार दिक्कत होती है, फिर इनकम टैक्स से नोटिस आता है या जो भी दिक्कतें होती है, तो बाद में इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता। इसके लिए अपने को पहले करना चाहिए, पहले ध्यान रखना चाहिए, पहले इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अपने सीए से डिस्कस करें या कोई प्रोफेशनल सीए से भी बात कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं होती है, 2000-5000 रुपये फीस होती है सीए की, घंटा आधे घंटे का वो टाइम देंगे आपको, सारी डिटेल से बताएंगे। इसके अंदर बेचते टाइम यदि आप बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 50 लाख या इससे अबव की, तो उसमें हमेशा सावधानी रखें। छोटी प्रॉपर्टीज होती है 10-20 लाख की, उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनमें भी कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी कोई आज के 10-15 साल पहले, और उसको आप 20 लाख में बेच रहे हैं, तो उस पर आपको नोटिस आ सकता है। और कई लोगों के आए हैं, मेरे एक दोस्त के तहत उन्होंने 2.5 लाख के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, 9 लाख में बेची थी, तो उनके इनकम टैक्स का नोटिस आ गया था, लेकिन उनके प्लस यही रहा कि उन्होंने खरीदने के बाद उसको बनाया था, तो बनाने के कुछ बिल वगैरह लगा कर उसका सोल्यूशन निकाल लिया था। तो अपने को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और रजिस्ट्री जब भी कराते हैं तो उसमें आप एक समय निर्धारित होता है कि इस समय तक आप रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते हैं। अलग अलग शहरों के अंदर या अलग अलग सिटीज़ के अंदर ये अलग अलग टाइम डाल सकता है, जो आप टाइम इसमें डालते हैं 90 दिन का लगभग लगभग टाइम होता है सभी जगह, 3 महीने का, तो उस टाइम में आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो कमेंट करें, जिसमें सभी का हित हो ऐसा सब्जेक्ट आप दें उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों आपके समय के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आप इसी तरह प्रेम देते रहें, इसी तरह वीडियो पर कमेंट करते रहें, और आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।